हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम इस फोटो को एडिट करेंगे। फ्रेंड्स, जो एक सिंपल मॉडल की फोटो है फ्रेंड्स, तो इस फोटो में आप देख सकते हैं काफ़ी फीकापन दिख रहा है आपको। तो इस फोटो में हम स्नैपशॉट और लाइटरूम ऐप के थ्रू एक टोन डालेंगे फ्रेंड, मतलब टोन एडिट करेंगे फ्रेंड्स। सो ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा फ्रेंड, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस फोटो को एडिट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, तो आप इस फोटो को क्लियरिटी में मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पर देख सकते हैं। सो मैंने नीचे लिंक दिए फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर विजिट कीजिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे सबसे पहले स्नैपशॉट में एडिट करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम स्नैपशॉट ऐप में आ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम इस फोटो को एडिट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे टूल में जाएंगे फ्रेंड्स, टूल्स में जो ट्यून इमेज में जाएंगे फ्रेंड्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को एडिट करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा दिख रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसे ब्राइटनेस को भी कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, इतना -44। कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट +32। सैचुरेशन को भी मैं बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, सैचुरेशन को थोड़ा सा ही बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स मैं +1, क्योंकि हम लाइटरूम ऐप में इसकी एडिटिंग करेंगे फ्रेंड्स। और एम्बियंस को भी थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ज़्यादातर वाइट पार्ट जो है फ्रेंड्स वो रिमूव हो रहा है, हाईलाइट्स कम चाहिए फ्रेंड्स, हाईलाइट्स को मैं -37 रख देता हूँ फ्रेंड्स। शेडोज़ भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अपने फोटो में जो मॉडल की जो शेडो है फ्रेंड्स वो भी गिरती है। और वार्म टेम्परेचर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे येलो टोन नहीं रखूँगा फ्रेंड्स, थोड़ी सी ब्लूइश टोन रखूँगा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे। सो वार्म में -12 रख देता हूँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ -8। सो मैं इसे डन कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये फोटो और ये फोटो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एडिट हो चुका है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले सिलेक्टिव पार्ट में चलता हूँ फ्रेंड्स। सिलेक्टिव पार्ट में हम एक सिलेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स और उसे एडिट करेंगे फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे येलो कलर के जो रेडियम देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसे एडिट करेंगे। तो हम इसका जो ब्राइटनेस है बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट और स्ट्रक्चर भी बढ़ा देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। थोड़ा सा ग्राउंड पे भी थोड़ा सा मैं इसकी शेडो लगा देता हूँ फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स मैं, कॉन्ट्रास्ट से अच्छी तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स टेक्चर, और स्ट्रक्चर से तो क्लियरिटी बढ़ जाती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले यहाँ पे मॉडल का टी शर्ट करेंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडल का जो टी शर्ट है फ्रेंड्स, तो हम इसे एडिट करेंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से। ब्राइटनेस में कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा ही लग रही है। कॉन्ट्रास्ट को भी मैं थोड़ा सा पॉजिटिव में रखता हूँ फ्रेंड्स, और सैचुरेशन को ज़्यादा बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, और स्ट्रक्चर को भी बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फोटो में जो क्लियरिटी है फ्रेंड्स फोटो में, तो क्लियरिटी बरकरार रहेगी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इस फोटो में एडिटिंग हो गई है, और थोड़ा सा सिलेक्टिव पार्ट में इस वाइट वाले पार्ट में भी लगा देता हूँ फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा मैं डार्कर बना देता हूँ फ्रेंड्स इसे। सो ये मैंने डन कर दिया फ्रेंड्स सिलेक्टिव पार्ट में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पहले वाला फोटो और बाद में वाला फोटो किस तरीके से अच्छी टोन आ गई फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लाइटरूम ऐप में चलते हैं। सबसे पहले लाइटरूम ऐप में जाने से पहले हम इसकी क्लियरिटी जो है फ्रेंड्स, डिटेल्स जो है बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स फोटो में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिटेल्स बढ़ा दिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लाइटरूम ऐप में चलते हैं, वहाँ पे इसकी कलर ट्यूनिंग और कलर एडजस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स, रिटचिंग करते हैं पूरी। तो चलिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं लाइटरूम ऐप में आ गए हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स लाइट वाले सेक्शन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ी सी लाइट एडजस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमने स्नैपशॉट ऐप में भी एडजस्ट की थी फ्रेंड्स। सो मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स +5। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स +19। हाईलाइट्स को बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, तब मैंने हाईलाइट कम किए थे। तो क्लियरिटी करने के बाद जब हम डिटेल्स का टूल्स यूज़ किया फ्रेंड्स, तो हाईलाइट्स को भी मैं बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स इसमें, शेडोज को भी प्लस, वाइट वाले पार्ट को भी और डार्क वाला पार्ट को थोड़ा सा कम कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्कनेस को कम ज़्यादा होते हुए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट एडिट कर लिया फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा किया फ्रेंड्स मैंने। तो चलिए फ्रेंड, अब कलर सेक्शन में चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्लू टोन में रखा था फ्रेंड्स, वार्म जो आप देख सकते हैं स्नैपशॉट ऐप में मैंने वार्म को एडिट किया था, तो ब्लू सेक्शन मतलब नेगेटिव सेक्शन में गया था तो ब्लू था फ्रेंड्स, और पॉजिटिव में गया था तो ऑरेंज था फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसे -4 रख देता हूँ फ्रेंड्स। टिंट वाला जो है फ्रेंड्स वो मैं -10 रख देता हूँ फ्रेंड्स, वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, और सैचुरेशन को भी बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ी सी एडिटिंग हो गई है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडोज़ को फ्रेंड्स, शेडोज़ को मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड में रखूँगा फ्रेंड्स, ल्यूमिनस कम रख देता हूँ फ्रेंड्स, और ब्लेंडिंग पूरी तरह +77, और बैलेंस को थोड़ा सा +29 रख देता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिड टोन्स पे आते हैं। मिड टोन्स में ये यहाँ पे फ्रेंड्स इस साइड में ल्यूमिनस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं, और हाईलाइट पे भी चलता हूँ फ्रेंड्स मैं। हाईलाइट को इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारे लिए, मैं ब्लू साइड में इसलिए रख रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम
एक ब्लू सिल्वर स्टोन देने वाले फ्रेंड्स इसमें, जो कि ब्लू टोन रहती है फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसे एडिट कर लिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉर्नर में, लेफ्ट वाले कॉर्नर में ग्रीनिश पार्ट ज़्यादा दिखा है, ग्रीनिश और थोड़ा सा येलोइश पार्ट है फ्रेंड्स। तो ग्रीनिश पार्ट का मैं सैचुरेशन कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, और ल्यूमिनेंस को भी कम कर देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मोडी टोन जो होती है फ्रेंड्स वो सिर्फ दो ही कलर्स में होती है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे येल्लो जो है फ्रेंड्स, हमारा येल्लो पार्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी येल्लो टोन एडजस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हम कितनी अच्छी तरीके से फ़ोटो हमारा एडिट हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। सो मैं थोड़ा सा इसको ल्यूमिनस थोड़ा सा कम ज़्यादा बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला रेडियम है उस पर पूरा ऑरेंज दिख रहा है, तो रेड कलर पे चलता है फ्रेंड्स। जो उस लड़के का जो मॉडल का जो टी शर्ट है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने, और ये ऑरेंज कलर जो है वो स्किन टोन पे होता है फ्रेंड्स। मैं ज़्यादातर स्किन टोन को नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ ल्यूमिनस बढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी मॉडल की जो स्किन है वो वाइट हो सकती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं ल्यूमिनस कम करता हूँ तो किस तरीके से आप देख सकते हैं, और ब्लू कलर जो स्काई में और हमारे टोन में दिख रहा है फ्रेंड्स आपको। तो मैं इसका सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, और ल्यूमिनस को थोड़ा कम कर देता हूँ, और ब्लू कलर को थोड़ा सा इस साइड में लेके आता हूँ फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हम, मैंने सैचुरेशन ब्लू कलर की जो है फ्रेंड्स वो ब्लैक में कर दी, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ब्लू कलर और ब्लैक कलर में। तो यही जो होती है फ्रेंड्स आजकल ट्रेंड चल रहा है फ्रेंड मोडी टोन्स का, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लिया फ्रेंड्स, मोडी टोन बना दी फ्रेंड। तो आप इसे डन कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इस फोटो को एडिट कर लिया है। सो बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स मैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड बिफोर में और आफ्टर में किस तरीके से डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़े से विनेगर भी लगा लेते हैं फ्रेंड जो फोटो में। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत तरीका है फ्रेंड विनेगर लगाने का, तो मैं सिलेक्टिव पार्ट में ही चलता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे सिलेक्टिव पार्ट है फ्रेंड्स, और ये टूल्स आप देख सकते हैं, ये वाला टूल जहाँ से लाइट आ रही है फ्रेंड्स वहाँ से थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है फ्रेंड्स नीचे से लगाना चाहता हूँ फ्रेंड विनेगर। तो इस तरीके से लगाना चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं, क्योंकि जो शेडो है मॉडल की जरा ग्राउंड पे गिरेगी, तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लूँगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पे कितना डिफरेंस लग रहा है, और ओवरऑल जो सर्कल है फ्रेंड्स, सो ये जो अपने मॉडल पे लगा देंगे फ्रेंड्स हम, सो मैं इसे इन्वर्ट कर देता हूँ और इसका एक्सपोजर कम कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा विनेगर लग रहा है फ्रेंड्स बॉर्डर में, तो मैं इसे डन कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इस फोटो को एडिट कर लिया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसका बिफोर और आफ्टर बता देता हूँ फ्रेंड, जो स्नैपशॉट ऐप से सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बिफोर और आफ्टर बता देता हूँ। तो लाइट रूम में एडिटिंग हो गई फ्रेंड्स, तो चलिए आप डिटेल रिव्यू बता देता हूँ मैं आपको। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ सबसे पहले फ्रेंड्स फोटो को, कुछ इस तरीके से फ्रेंड मैंने इस फोटो को एडिट किया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरीके से इसमें बैकग्राउंड में जो ब्लैक टोन है मूडी टोन है जो फ्रेंड्स हमें एडिट किया है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे चैनल पे जाना है फ्रेंड्स, जो इंस्टाग्राम का मेरा न्यू अकाउंट है फ्रेंड वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स मैंने उसकी लिंक, तो आप वहाँ पे इस फोटो को फुल क्लियरिटी में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसे जो वीडियो अपलोड करूँगा फ्रेंड्स यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा फ्रेंड्स, मैं इंस्टा पे भी अपलोड कर देता हूँ फ्रेंड्स। सो आपको ये वीडियो कैसे लगे फ्रेंड्स मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। सो ये थे फ्रेंड्स वो दो फोटो जो मैंने एडिट किए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मैंने आपकी आपने मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखी।